अस्सलाम वालेकुम गाइस, स्वागत है आपको मेरे चैनल टेक्निकल आदि पे। आई होप कि आप सब ठीक है। आज की इस वीडियो में मैं आप सबके को बताने वाला हूँ कि जैसे आपको पता है कि इंडिया में शेयरइट और टिकटॉक से लेकर 59 ऐप को बंद कर दिया गया है, तो आपको अभी फ़ोटो, इमेज, फाइल, खुद जो खुद भी है, आपको एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है कि कौन से किस एप्लीकेशन से आप शेयर और रिसीव करें जो बिल्कुल भी सेफ है और आपके डाटा सिक्योर रहेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ ऐसा दो एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा, अगर आपके फोन में एक नहीं अवेलेबल नहीं है तो दूसरा ट्राई कर सकते हो। प्ले स्टोर में और सर्च मारना है फाइल बाय गूगल, तो सर्च कर देना है और आपके पास ऐसा एप्लीकेशन शो हो जाएगा। तो ये एप्लीकेशन गूगल की तरफ से एकदम सेफ ऐप है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको सिंपली इसको ओपन इंस्टॉल कर देना है, इधर इंस्टॉल के बटन आएगा और वहां से क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। तो अभी मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए मैं इसको ओपन करता हूं। तो ओपन करने के बाद आपको ऐसा तीन ऑप्शन नज़र आएगा। पहला वाला जो क्लीन का ऑप्शन है, इससे आप देख सकते हो अपने फ़ोन में कितना GB खाली है, कितना यूज़ कर चुके हैं आप। तो दूसरा ऑप्शन है ब्राउज, इसमें आप देख सकते हो कितना इमेज, क्या इमेज, वीडियो क्या क्या है अपने फ़ोन में। तो ये एक तरफ से आप अपने फ़ोन के फ़ोटो वीडियो को मैनेज कर सकते हो। और लास्ट वाला ऑप्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला ऑप्शन है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें जो आप फाइल सेंड और रिसीव कर सकते हो अपने दूसरे फ़ोन से या अपने फ्रेंड से। तो पहला वाला ऑप्शन है सेंड, इस पर आपको क्लिक करना है और दूसरे वाले फ़ोन से आपको रिसीव करना रिसीव के ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो ही आपका काम करेगा शेयरइट के जैसे। लेकिन आपको शेयरइट में बहुत प्रॉब्लम होती है, जैसे शेयरइट में बहुत एड्स आते हैं, कनेक्ट करना में प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन ये वाला ऐप में कनेक्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक दो मिनट में आपका जो कनेक्टिंग हो जाएगा और फाइल ट्रांसफ़र शेयर हो ही जाएगा। तो इसमें ऐड का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐड नहीं आता और ये गूगल की तरफ से है, तो इसमें आपके सब फाइल सेफ रहेगा। तो अगर आपके पास ये वाला ऐप अवेलेबल नहीं है, आई होप होगा, अगर फिर भी नहीं है तो आप अगर शॉमी फ़ोन यूज़र हो तो आपके पास ये वाला ऐप होगा, अगर नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। इसका नाम है Xiaomi। तो ये जो पहला वाला है उसको डाउनलोड कर लेना, सॉरी Xiaomi था, Mi नहीं, तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है उसी ऐप की तरह, तो इसको ओपन करता हूँ। और इसमें भी आप फोटो वगैरह वीडियो थोड़ा मैनेज कर सकते हो। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो है सेंड और रिसीव। तो पहला वाला है सेंड, ऐसे सेंड पे क्लिक करना, उसके बाद आपने दूसरे फ़ोन से रिसीव पे क्लिक कर देना, तो सेंड रिसीव दोनों हो, तो सेंड कर देना इस फ़ोन से, उधर से रिसीव हो जाएगा। तो आपको इधर सेंड पे ऑप्शन पे क्लिक कर दिया था, अब सिलेक्ट करना है जिस भी फ़ोटो को आप सेंड करना है, अगर वीडियो सेंड करना है तो वीडियो पे क्लिक करना, ऊपर से फाइल सेंड करना है तो ऊपर से फाइल पे क्लिक करना, ऐसे कर सकते हो, ऐप पे करना है तो ऐप कर सकते हो, जैसे मैंने ये वाला ये सब इंस्टाग्राम सिलेक्ट कर लिया, सॉन्ग पे सिलेक्ट करना है तो सॉन्ग भी कर सकते हो, तो फ़ोटो, सॉन्ग, ऐप सब कुछ कर सकते हो। तो उसके बाद सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको सेंड पे नीचे जो ऑप्शन है उस पर सेंड पे क्लिक कर देना है और आपका जो है फ़ोन ऐसे ओपन हो जाएगा और आपने फ़ोन को दूसरे फ़ोन के QR कोड से स्कैन करना, उसके बाद ही सेंड हो जाएगा। तो उसके बाद है रिसीव, रिसीव कैसे करते हैं, तो दूसरा वाला है रिसीव, उस पर क्लिक करना, उसके बाद आपने दूसरे फ़ोन से सेंड कर देना और सेंड रिसीव हो जाएगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुई तो वीडियो को एक लाइक कर दो प्लीज़, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, और ऐसे ही आपके प्यार बरसाते रहो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।